हेलो फ्रेंड, मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताइए जो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और जिससे हमें बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। और उन्होंने ये भी बोला है कि सर ऐसे कोर्सेज के बारे में भी बताइए कि अगर हम ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, बहुत सारे रीजन की वजह से लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते, स्टिल हम अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं जिससे हमें इजीली जॉब मिल जाए तो हमें ऐसे कोर्सेज के बारे में आप बताएं। तो इसके लिए मैंने पूरी एक नई सीरीज बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है आईटीआई सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे आईटीआई के कोर्सेज के बारे में कि कैसे आप आईटीआई के डिफरेंट कोर्सेज करके बहुत इजीली जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं आईटीआई के बैकग्राउंड को। तो जो आईटीआई की फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ट्रेनिंग कराते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे आपको पता ही होगा कि आजकल स्किल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आजकल लोगों के लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उनके पास कौन सी डिग्री है। तो गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं ये आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपके टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ओपन किए हैं। तो जो इंस्टीट्यूट जो रन करते हैं वो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको देखते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वो इनकी पॉलिसी बनाते हैं, वो इनकी कोर्सेज डिफाइन करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि अगर आपने 8th क्लास पास है और स्टिल आप कोई कोर्सेज करना चाहते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत कम पढ़े हुए हैं, स्टिल वो अपनी जॉब को अच्छी से करना चाहते हैं और काफी अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अगर आपको आईटीआई के अंदर कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और आप कैसे एडमिशन लेके अपना इसके अंदर फ्यूचर बना सकते हैं। तो आईटीआई के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं उनकी एजुकेशन को। फर्स्ट होती है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सेकंड होती है नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सारे आईटीआई के कोर्सेज। हम इसी के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और एंड में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप 8th के बाद आईटीआई के अंदर कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से कोर्सेज जो आप 8th क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने, इसको किस पार्ट में डिवाइड किया कि वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कैसे। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आईटीआई के कोर्सेज को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि कौन से स्ट्रीम के अंदर होते हैं, इंजीनियरिंग है या फिर नॉन इंजीनियरिंग है। देन मैंने आपको बताया कि उसके ड्यूरेशन क्या है, 1 साल का है, 2 साल का है। कोर्स के सामने सब मैंने आपको लिखा हुआ है, ये आप देख के पढ़ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है और कैसे आपको उसके अंदर आपको स्किल बढ़ाने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स है वो है वीविंग एंड फैंसी फैब्रिक। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री आजकल फैशन की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जितने भी फैंसी फैब्रिक होते हैं उसकी जो वीविंग का काम होता है वो इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। इसका ड्यूरेशन 1 साल का है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि फैशन इंडस्ट्री आजकल बहुत बढ़ रही है, उसके अंदर बहुत डिमांड है इसकी। देन आता है वायरमैन इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग का कोर्स है, 2 साल ड्यूरेशन है। अगर आपको सीखना है इलेक्ट्रीशियन का काम, अगर आपको सीखना है कि वायरिंग का काम कैसे होता है, वो इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि जैसे जैसे नया हाउसिंग सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, नए नए घर बन रहे हैं, वहाँ पे वायरिंग का बहुत काम होता है, उसके अंदर इसकी बहुत डिमांड है। देन आता है कटिंग एंड सुइंग, अगर आप जितने भी कटिंग का काम होता है, कपड़ों की सिलाई का काम होता है, वो आपको सिखाया जाता है इसके अंदर। नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है, इसका 1 साल का ड्यूरेशन है। देन आता है पैटर्न मेकिंग इंजीनियरिंग, तो जितने भी आजकल नए नए डिज़ाइन बनते हैं, जितने भी नए नए मॉडल बनते हैं, तो उनका पहले एक मॉडल बनता है जिसको हम सैंड या फिर लकड़ी के थ्रू बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको सिखाते हैं कि मॉडलिंग कैसे होती है, मॉडल कैसे बनाते हैं किसी भी चीज़ का। ऐसे तो है नहीं आपको किसी मशीन बनानी है, आप डायरेक्ट मशीन बना देंगे, तो पहले एक मॉडल बनता है। जैसे किसी कार को आपको बनानी है तो आपको पहले उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, वो आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही एडवांस कोर्स है, इसका ड्यूरेशन भी 2 साल है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर सीखना पड़ता है, तो ये 2 साल का कोर्स है। तो अगर आप ये कर लेते हैं अच्छी तरह से, अगर आप पैटर्न बनाना सीख जाते हैं, मॉडल बनाना सीख जाते हैं, तो फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, लाखों रुपए में भी इसकी सैलरी होती है लोगों की। देन कोर्स आता है प्लम्बर इंजीनियरिंग का, जितनी भी प्लम्बिंग का काम होता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि नए नए घर बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, उसके अंदर प्लम्बिंग का काम होता है, तो इसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है प्लम्बिंग का काम। 1 साल का इसका ड्यूरेशन है। देन काम आता है वेल्डर एंड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रीशियन का, तो इसके अंदर आपको वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है,
जैसे आप ये कोर्स करने के बाद गल्फ कंट्रीज में बहुत ईजली जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, इसकी बहुत डिमांड है वेल्डर की, और वहाँ पे बहुत अच्छी सी सैलरी मिलती है। तो इसका जो काम है वो है 1 साल का ड्यूरेशन है। देन आता है बुक बाइंडर, जैसे जैसे बुक की बाइंडिंग करना सिखाते हैं, 1 साल का कोर्स है। देन आता है कारपेट इंजीनियरिंग, आपको सिखाया जाता है कि कारपेट को कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको बनाना है, 1 साल का कोर्स है, बहुत यूनिक कोर्स है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, आप ये भी कर सकते हैं। देन आता है एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क्स, तो जितने भी एम्ब्रॉयडरी का काम होता है कपड़े के ऊपर, जितने भी छोटे छोटे नीडल का काम होता है, वो इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के अंदर, 1 साल का कोर्स है। देन आता है मैकेनिक ट्रैक्टर्स, तो जैसे हमारी एग्रीकल्चर बहुत ग्रो कर रही है, वहाँ पर ट्रैक्टर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, और जैसे ट्रैक्टर पुराने होंगे तो उसके मेंटेनेंस भी चाहिए, ये आपको सिखाया जाता है कि ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कैसे करता है, उसके मोटर को कैसे सही रखते हैं, पूरी आपको इसके अंदर सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर। ड्यूरेशन 1 साल का है, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है कोर्स की। तो ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से कोर्स है, आप सिर्फ 8th क्लास की बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, तो फिर अगर आपके स्किल बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, स्टार्टिंग में भी और फ्यूचर के अंदर भी। फ्यूचर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मारुति हो गई, जैसे कि होंडा हो गई, उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। जैसे नहीं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने घर बनाती है, उसके अंदर आप वायरमैन या फिर प्लम्बर का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पर उनको, लाखों रुपए की सैलरी मिलती है उनको, अगर जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो इसके अंदर सैलरी की कोई कमी नहीं है, बट आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। समझ लेते हैं कि इसके अंदर रिजर्वेशन कैसे होता है। तो रिजर्वेशन जो है वो है फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर 30% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, और ओबीसी के लिए 15%। और ये डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो अगर आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर आपका एडमिशन बहुत ईजली हो जाएगा। अगर स्टिल आप जनरल कैटेगरी के अंदर भी आते हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर अगर आप सही से एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन बहुत सिंपल है, बट आपको फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और आपको एक मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर आया या फिर नहीं आया। बहुत ईजी तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, देन आपको अपने वेरिफिकेशन कराने हैं डॉक्यूमेंट के, आपके डॉक्यूमेंट सही है, देन मेरिट लिस्ट निकलती है कि भाई इन इन लोगों का एडमिशन हो गया है। देन आपको एक सीट अलॉट होती है कि काउंसलिंग के अंदर, कि आपको इस आईटीआई के अंदर सीट मिलेगी। देन आप जाके अपनी सीट फ्रीज करा सकते हैं, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, हाँ भाई मैं एडमिशन लूँगा, आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। देन अगर आपको मन करता है कि नहीं भाई मुझे तो किसी और आईटीआई में एडमिशन चाहिए, तो फिर आप वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग का, आप वेट करके नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में दूसरी आईटीआई के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आईटीआई के अंदर कैसे एडमिशन लेते हैं। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। और आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी करियर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।